नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। 50% हाजिरी के साथ कल से खुल जाएंगे स्कूल। बिहार में कल से स्कूल में फिर से छात्रों की गूंज सुनाई देगी। 50% हाजिरी के साथ सभी स्कूल कल से खोल दिए जाएंगे। हालांकि जारी किए गए नियमों के अनुसार अभी सिर्फ 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को खोलने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने तय किया है कि एक दिन से अधिकतम 50% ही हाजिरी होगी। देखना होगा कि क्या छात्रों के लिए एक एक दिन के अंतर पर कक्षाएं चलाई जा सकती हैं या नहीं। कोचिंग कक्षाएं भी शुरू की जा सकती है। सरकार ने कॉलेज भी खोलने का निर्णय ले लिया है। कोविड-19 के माहौल की गाइडलाइन के तहत कई अन्य कदमों का ऐलान किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 9वीं कक्षा से नीचे के छात्रों के स्कूल आने का फैसला 18 जनवरी को लिया जाएगा। मिशनरी स्कूल में फिलहाल कक्षाएं नहीं होंगी, केवल प्री बोर्ड की परीक्षाएं ली जाएंगी। कुछ स्कूलों में ऑड इवन फॉर्मूले के तहत क्लास लेने की रणनीति भी बनाई जा रही है। हालांकि सभी स्कूल को कोविड-19 के तहत जारी किए गए गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। बिहार में ड्राई रन हुआ सफल। कोविड-19 के माहौल में अब लोगों को पूरी तरह से राहत मिलने की जागती दिखाई दे रही है। कोविड-19 वैक्सीन की मंजूरी मिलने के बाद टीकाकरण को लेकर शनिवार को बिहार में ड्राई रन सफल साबित हुआ है। बिहार के 3 जिले पटना, बेतिया और जमुई में ड्राई रन करवाया गया था, जो सफल भी रहा। राजधानी में 3 जगह, दानापुर अनुमंडल अस्पताल, फुलवारी शरीफ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं शास्त्री नगर शहरी PHC में ड्राई रन किया गया। टीकाकरण के बाद लोगों को कई प्रक्रिया से भी गुजरना होगा। टीकाकरण स्थल पर 3-4 बार बनाए गए पहला वेटिंग रूम होगा, दूसरा वैक्सीनेशन चैंबर और तीसरा ऑब्जर्वेशन चैंबर होगा। वैक्सीनेशन के बाद लोगों को 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन चैंबर में रहना होगा, ताकि वैक्सीनेशन के बाद किसी तरह की परेशानी होने पर वैसे लोगों का उपचार किया जा सके। वहीं आपको बता दें, बीते दिन करवाया गया ड्राई रन के दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी स्वास्थ्य केंद्रों का जायजा लिया था। ऐच्छिक तबादले के लिए नियोजित शिक्षकों को करना होगा और इंतजार। बिहार के नियोजित शिक्षकों को ऐच्छिक तबादले के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। तबादले की नीति बनाने के लिए गठित कमेटी फिलहाल इस पर मंथन कर रही है। हालांकि दिसंबर से ही प्रक्रिया तेज हो गई और माना जा रहा है कि 1-2 बैठक के बाद कमेटी अपना प्रस्ताव विभाग को सौंप देगी। आपको बता दें, बिहार शिक्षक नियोजन नियमावली में शिक्षकों के अपने नियोजन इकाई में ही तबादले का प्रावधान था, लेकिन जुलाई 2020 में शिक्षकों की घोषित सेवा शर्त में शिक्षा विभाग ने दिव्यांग और महिला शिक्षकों को अंतर जिला तथा अंतर नियोजन इकाई तबादले की छूट सेवा अवधि में एक बार के लिए दी है। बर्फीली हवा के कारण गिरा पारा, प्रदेश में बढ़ी ठिठुरन। पश्चिम से आने वाली बर्फीली हवाओं की गति में तेजी आने से राज्य का पारा फिर गिर गया है। शनिवार की सुबह राजधानी का पारा सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस गिरकर 6.1 पर दर्ज किया गया। गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, वहां न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के कई शहर में 24 घंटे में पारा 2 से 3 डिग्री तक नीचे आया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की माने तो राजधानी पूरे प्रदेश में भीषण ठंड पड़ रही है। इसका मुख्य कारण पश्चिम से आने वाली बर्फीली हवाएं हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ होने के कारण रविवार से देश के मैदानी भाग में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। इसमें न्यूनतम तापमान में वृद्धि हो सकती है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के आवंटन पोर्टल में लगी सेंध। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के आवंटन पोर्टल में साइबर अपराधियों ने सेंध लगा दी है। अभ्यर्थियों की बगैर जानकारी कई अभ्यर्थियों के चॉइस को बदल दिया गया है। इसकी जानकारी जैसे ही पर्षद को मिली, पर्षद ने पूरे मामले की जांच कराई तो मामला सही पाया गया। राज्य के सरकारी और निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में नामांकन के लिए 2 दिसंबर को प्रथम आवंटन सूची जारी की गई थी। इसमें छेड़छाड़ की शिकायत अभ्यर्थियों ने ही पर्षद को दी थी। वहीं विशेष कार्य पदाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा ने इस बाबत अपना बयान जारी किया है और बताया है कि 28 नवंबर को एक ही IP एड्रेस से रात 11:01 पर 17 अभ्यर्थियों का चॉइस बदल दिया गया। संबंधित पर कार्रवाई के लिए आर्थिक अपराध इकाई को सारे तथ्य एवं विवरण सौंप दिए गए हैं। 1 फरवरी तक बन सकते हैं पंचायत चुनाव में मतदाता। बिहार में मार्च से मई के बीच होने वाले त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के लिए 1 जनवरी को 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता बन सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने 1 फरवरी तक आवेदन लाने का शनिवार को ऐलान कर दिया है। आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने बताया है कि पात्र मतदाता प्रपत्र भरकर मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवा सकते हैं। इस तरह किसी मतदाता के नाम पर आपत्ति के लिए प्रपत्र ख को भरकर जमा कर सकते हैं। मतदाता सूची का प्रकाशन 19 जनवरी को किया जाएगा। दावा आपत्ति के निराकरण के लिए 20 जनवरी 8 फरवरी तक समय तय किया गया है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 19 फरवरी को किया जाएगा। 1 फरवरी के बाद आयोग किसी भी स्तर पर दावा आपत्ति स्वीकार नहीं करेगा। पटना मेट्रो को रफ्तार देने के लिए मिलेंगे नए अवसर। पटना मेट्रो के काम को जमीन पर तेजी से बढ़ाने के लिए 27 पदाधिकारियों की बहाली जल्द होने वाली है। प्रबंधन स्तर के अफसरों को 3 साल के लिए प्रतिनियुक्ति किए जाने पर सोच विचार किया जा रहा है, जिसके अलावा तकनीकी अफसरों को बहाल किए जाएंगे और परफॉर्मेंस के आधार पर उनका कार्यकाल घटाया या बढ़ाया जा सकता है। पटना रेल मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में जारी किए गए 27 पदाधिकारी के पदों के लिए साक्षात्कार के माध्यम से प्रतिनियुक्ति करने का फैसला सुनाया है। आवेदन की प्रक्रिया 4 जनवरी की शाम 5 बजे से शुरू होने वाली है, जो कि 18 जनवरी तक जारी रहेगी। अर्हता और नियुक्ति से जुड़ी अन्य सूचनाएं विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। पटना मेट्रो के विभिन्न पदों के लिए मांगे गए
आवेदनों की पहली स्क्रूटनी की जाएगी। इसके बाद चयनित आवेदकों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्षात्कार होगा। बिहार लौटे प्रवासियों ने बनाई अपनी अलग पहचान। कोविड 19 के माहौल में दूसरे राज्यों से लौटे बिहारी कामगारों के 76 लोगों के जत्थे ने कुछ ही महीने में कमाल कर दिखाया है, जिसके तहत इनके द्वारा बनाए गए कंबल और टोपी लद्दाख में तैनात सेना के जवानों के लिए खरीदे गए हैं। यह हुनरमंद अब बांग्लादेश से मिल रहे रेडीमेड कपड़ों का ऑर्डर भी संभाल रहे। एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ियों को तैयार करके देश के विभिन्न राज्यों में भेजा जा रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रवासी कामगारों की उद्यमिता का जायजा लिया था। आपको बता दें, कोविड 19 के माहौल में राजस्थान और गुजरात में बड़ी संख्या में कामगार पश्चिम चंपारण लौटे थे। इनमें कुछ गुजरात के सूरत में साड़ी तैयार करते थे, कुछ रेडीमेड वस्त्रों को तैयार करने वाली फैक्ट्री में थे। कोविड 19 के बाहर में कॉल सेंटर में स्किल मैपिंग के माध्यम से इनकी पहचान हुई थी। स्किल सेंटर को बजट में दिया जाएगा 64 करोड़। नीतीश सरकार के साथ निश्चय कार्यक्रम 2 के तहत ही सभी 38 जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोलने के लिए बजट का प्रस्ताव पेश किया जा रहा है, जिसके तहत नए बजट में 64 करोड़ 30 लाख की व्यवस्था करवाई जाएगी। इसके लिए श्रम संसाधन विभाग की तरफ से प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही विभाग की तरफ से नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन की स्थापना के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इससे संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार के मुताबिक पिछले 22 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रम संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोलने का निर्देश दिया था, जहां युवाओं के लिए नए कौशल की ट्रेनिंग देने की व्यवस्था होगी। इस आदेश के आलोक में विभागीय स्तर पर सारी तैयारी तेज कर दी गई है। पटना के नवनिर्वाचित डीएम चंद्रशेखर सिंह ने जन कल्याणकारी योजनाओं को समय पर पूरा करने की कही बात। पदभार संभालने के दूसरे दिन जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह पालीगंज, विक्रम नौबतपुर, फुलवारी शरीफ एवं दुल्हन बाजार प्रखंड का भ्रमण कर विकास योजनाओं का जायजा लेने पहुंचे थे। सरकार के विकासात्मक एवं जन कल्याणकारी योजनाओं का सफल सुचारू एवं मानक के अनुरूप समय कार्य सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को प्रखंड मुख्यालय में उपस्थित रहकर विकास कार्य का समय पर निष्पादन करने का निर्देश दिया है। सभी प्रखंडों में एनटीपीसी काउंटर का औचक निरीक्षण किया तथा कार्यरत कर्मियों को संवेदनशील होकर समय सीमा के भीतर सेवा प्रदान करने का निर्देश दिया। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने काउंटर पर मौजूद लोगों का हालचाल भी जाना तथा आवश्यक फीडबैक भी प्राप्त किया। जदयू ने राज्य कार्यकारिणी की बैठक में हारे हुए उम्मीदवारों को दी तवज्जो। पिछले साल संपन्न विधानसभा चुनाव में जदयू के पराजित प्रत्याशी भी 10 जनवरी को पटना में हो रही पार्टी के राज्य कार्यकारिणी और राज्य परिषद की बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। इन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह भी राज्य कार्यकारिणी की और राज्य परिषद की बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। जदयू के प्रदेश महासचिव अनिल कुमार ने इस बाबत अपना बयान जारी करते हुए बताया है कि 10 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से राज्य कार्यकारिणी और राज्य परिषद की संयुक्त बैठक होने वाली है। बैठक की अध्यक्षता जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह करेंगे। बैठक में पार्टी के सभी लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य हिस्सा लेने वाले हैं। साथ ही बूथ स्तर पर पार्टी प्रत्याशियों की हार की समीक्षा चल रही है, मगर पराजित उम्मीदवारों से पहले ही पार्टी ने फीडबैक लिया है और एक बार फिर से हारे हुए उम्मीदवार को कार्यकारिणी की बैठक में बुलाया गया है। नित्यानंद राय ने नरेंद्र मोदी को भारत का सबसे लोकप्रिय नेता बनने पर दी बधाई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया में सबसे ज्यादा अप्रूवल रेटिंग वाला नेता चुने जाने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए बधाई दी है। उन्होंने इस बाबत अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि विश्व के नेताओं की उनके कार्यकाल के दौरान लोकप्रियता पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डेट ऑफ फर्म के सर्वे में उक्त जानकारी सामने आई है। नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग दुनिया के सभी नेताओं में सबसे ज्यादा है। वैश्विक स्तर पर सर्वे और रिसर्च करने वाली फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के नवीनतम सर्वेक्षण के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेट अप्रूवल रेटिंग 55% रही है। यह आंकड़ा सबसे अधिक है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे यह भी कहा है कि नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लोकप्रिय पीएम और ग्लोबल लीडर भी हैं। नित्यानंद राय ने कहा है कि भारत का कोई नेता पीएम मोदी के सामने दूर दूर तक लोकप्रियता में नहीं नजर आता है। सुशील मोदी ने विपक्ष को दिया करारा जवाब। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी लगातार विपक्ष को आड़े हाथ लेते रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर से विपक्ष को निशाने पर लेते हुए अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने ट्रांसफर पोस्टिंग को कमाई का जरिया बना लिया है, वो आज रूटीन प्रशासनिक काम को भी राजनीतिक रंग देना चाहते हैं। लालू प्रसाद रांची रिम्स के पेइंग वार्ड में जेल नियमों का उल्लंघन कर मोबाइल फोन पर लगातार राजनेताओं को निर्देश देकर जोड़ तोड़ को बढ़ावा दे रहे हैं। बिहार में भाजपा और जदयू के बीच लगभग 2 दशक पुरानी दोस्ती से जलने वाले तत्वों की वजह से हमारे बीच एक बुरा दौर आया और गुजर गया। हमें जनता ने जब फिर से सेवा का मौका दिया तो विपक्ष परेशान हो रहा है। आपको बता दें, बीते कई दिनों से लगातार एनडीए सरकार में फूट की खबरें सामने आ रही है, जिस पर लगातार बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी बचाव करते नजर आ रहे हैं। ब्रिस्बेन नहीं जाना चाहती है टीम इंडिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज के चौथे मैच पर असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। टीम इंडिया के खिलाड़ी ब्रिस्बेन में
कड़े लॉकडाउन और कोविड 19 प्रोटोकॉल को देखते हुए वहां जाने को लेकर खुश नहीं है। खिलाड़ियों ने साफ किया है कि वो एक बार फिर से क्वारंटाइन की पाबंदियों के बीच में नहीं रहना चाहते हैं और वो एक शहर में रहकर ही सीरीज के बाकी बचे दोनों मैच को खेलने के लिए तैयार है। सिडनी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए क्वींसलैंड ने अपने बॉर्डर को सील कर दिया है और न्यू साउथ वेल्स से आए लोगों को 14 दिन के क्वारंटाइन पीरियड में रखा जा रहा है। कूली नंबर एक को लेकर हुई आलोचना पर बोले वरुण, एक्टर वरुण धवन ने कूली नंबर वन को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है, जिसके तहत उन्होंने फिल्म को लेकर लगातार हो रही आलोचनाओं पर अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हर चीज तो हिट नहीं हो सकती है ना। एक न्यूज पोर्टल से बातचीत में वरुण धवन ने कहा कि चीजें करना मुश्किल होता है, जिंदगी से भी कई चीजें बड़ी होती है, उन चीजों के प्रति आपके अंदर सहनशीलता होनी जरूरी होती है। मैं एंजॉय करता हूं, मेरे लिए एक फिल्म बनाने का मतलब सभी को प्लीज करना होता है, जनता का रिएक्शन मेरे लिए काफी मायने रखता है। वरुण आगे कहते हैं, मैं फेक हो सकता हूं और कूल बनने की भी कोशिश कर सकता हूं क्योंकि मेरी फिल्म ओटीटी पर है, यह मेरी ऑडियंस है और मैं इसी के लिए काम करता हूं। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोरोना के माहौल में कल से स्कूल खोलने का फैसला सही साबित होगा या नहीं, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।